एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी स्टैंड फॉर एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड एमपी स्टैंड फॉर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है उसको आज एग्जामिन करेंगे मैथमेटिकली। आइए, कौन सा कोर्स कोड का है? MEC 101, जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मैं वन सेकंड रिमाइंड कर देता हूं। एपी क्या होगा? जैसे एपीएल तो क्या होगा? आउटपुट बाय अमाउंट ऑफ लेबर, ठीक है। ये एवरेज प्रोडक्टिविटी, जिसको हम जनरली प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, ये इफिशियंसी ऑफ लेबर मापता है। एमपीएल मार्जिनल, एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो क्या है? वेरी सिंपल है, चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। इसको मापते हैं मैथमेटिकली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो एपी आप समझ गए, एवरेज, इसको एपीपी भी कह सकते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, लेकिन सिंपली एपी भी कहते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और सिमिलरली वी कैन गेट जस्ट ए क्यू, प्रोडक्शन फंक्शन इज डिवाइडेड बाय के, इट गिव्स अस एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। And when we take partial derivative of production function with respect to capital, it gives us marginal product, physical product of capital. तो यहाँ पर हम mathematically इसको करेंगे, तो relationship between AP and LP, AMP is a true for all marginal एंड एवरेज कंडीशन। बहुत सारे एवरेज कंडीशन होगा, कॉस्ट भी होगा प्लस यूटिलिटी भी होता है, जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बीए सेमेस्टर वन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां हमको एपी, देखो यहां पर तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को आपको जानना पड़ेगा। व्हेन एपी इज राइजिंग, ठीक है, जब एपी बढ़ेगा, ठीक है, एपी इज राइजिंग, देन एमपी इज ग्रेटर देन एपी। हम ग्राफ में दिखा देंगे। दूसरा कंडीशन है, जब एपी राइज करेगा तो ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज द ग्रेटर देन एपी। कुछ इस तरह ग्राफ बनता है, देख लो, हम उतना ग्राफ पर डिटेल नहीं जाएंगे। एल के ओरिजिन, ये एमपी है और ये एपी है। आप देख सकते हो जब ये राइजिंग कर रहा है, देखो ये राइजिंग कर रहा है, जब एपी राइजिंग कर रहा है, ये एपी इज द, एमपी इज द ग्रेटर देन एपी। गॉट इट? आर यू गेटिंग द थिंग्स? यस सर। हां सर, वेरी गुड, यस सर। हां, व्हेन एपी इज, ठीक है, तीन कंडीशन होगा, एपी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एपी, देखो मैक्सिमम कहां आ रहा है, उस पॉइंट पर आ रहा है जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो देन एमपी इक्वल टू एपी, वेरी गुड। और तीसरा कंडीशन है, व्हेन एपी इज डिक्रीजिंग, एमपी इज इक्वल टू एपी, इक्वल टू, कौन बोला था, बहुत ही
decreasing when AP is decreasing then जब वो डिक्रीज हो रहा है एपी तो वो एमपी जो यहाँ पर है एमपी इज लेस देन एपी ठीक है तो ये ग्राफ को भी आप समझ रहे हैं और ये हो गया लेकिन इसको मैथमेटिकली मैं प्रूफ करूंगा तो जब ये फॉलिंग कर रहा है तो लेस देन होता है ठीक है तो सारा चीज है तो हेलो ठीक है तो सबसे पहले कुछ बोलना चाहते बोलो जी बोलो हाँ सर थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा फिर से बताइए अरे भैया जब एपी घटेगा ग्राफ में सर ग्राफ में दिख हाँ ग्राफ में बात कर जब ये घट रहा है ना तो देखो यहाँ पर इसका ये डिस्टेंस देख रहा है अरे एपी के एमपी के ऊपर है ना एपी और यहाँ पर जब बढ़ रहा है तो देखो ये एमपी है तो एपी नीचे है देखो लेस देन है ये नहीं दिख रहा है और यहाँ पर देखो ये एपी वाला है ये ग्रेटर देन नहीं हो रहा है और ये दोनों इक्वल टू दिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट आपका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा ब्लर आ रहा है हाँ जी सबको आ रहा है वो आपका थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो अच्छा देखो अब हम लोग सीखते हैं ये ग्राफ वाला आपको नहीं जानना है आपको ग्राफ वाला बीए में सीखना पड़ता है अब इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कर देते हैं तो एपीएल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एपीएल तो क्यू बाय ए ठीक है आपको आनी चाहिए डायरीविटी ठीक है आपको डायरीविटी आनी चाहिए ठीक है तो इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव लो एपीएल को ठीक है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एल किसको एपी को एवरेज प्रोडक्ट को एल तो देखो यहाँ पर एक चीज है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्यू इज द फंक्शन ऑफ हाँ क्यू दो चीज का फंक्शन है तो यहाँ पर चैन रूल और इम्प्लिसिट फॉर्म यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा और चैन रूल एक साथ टुगेदर तो आप लिखो डेरिविटी ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेल क्यू बाय डेल के ठीक है पहले तो ये देखो दो का फंक्शन है के और एल तो यहाँ एल से रूल एल एल रुको पकाओ नहीं देखे हाँ यहाँ एल से हो जाएगा रुको यस सॉरी डायरेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव है एल हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला इनटू सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेल एल बाय डेल एल क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है दोनों का फंक्शन ठीक है और फर्स्ट फंक्शन क्यू और स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन तो देखो वो यहां पर क्या हो जाएगा एल डेल क्यू बाय डेल एल ठीक है इसको नीचे ही रहने दो एल वाला को या हाँ इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं तो ये अच्छा रुक जाओ एक मिनट अभी आगे बका जाओ एल स्क्वायर ये दोनों खत्म हो जाएगा वन होगा इसका वैल्यू माइनस क्यू ठीक है ऐसा कुछ सिचुएशन आया मेरे पास ठीक है अब ये एल क्या दोनों में डिवाइड होगा सेपरेटली तो एल बाय एल स्क्वायर डेल क्यू बाय डेल एल ठीक है माइनस क्यू बाय एल स्क्वायर अब यहां देखो दो एल है तो एक वो कैंसिल हो जाएगा तो वन बाय एल होगा और डेल डेल क्यू बाय डेल एल और यहां होगा q बाय एल स्क्वायर अब ये दोनों में कुछ कॉमन है वन बाय एल बिल्कुल है उसको ले लो वन बाय एल ठीक है तो डेल q बाय डेल एल माइनस q बाय एल तो अब तक जो फिगर हमारा आया जगह ही खत्म हो जाता है
हम मेरा जो हम ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, अभी कोई उपाय नहीं है। तो लास्ट वाला हम देंगे रिजल्ट। तो हमारा कुछ फिगर इस पर आया। इक्वल टू हम इसका डेरिवेटिव लिए एपीएल का 1/L और ये आया डेल क्यूब बाय डेल एल माइनस क्यूब बाय एल। एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास मैंने आपको कुछ बताया था, ये क्या है एमपीएल और उधर वाला क्या है एपीएल। हाँ, अब यहां पर कंडीशन होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एपीएल विद रिस्पेक्ट टू एल, अगर इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, कब आएगा, जब एमपीएल इज द ग्रेटर देन जी वन। आप समझ में आया ग्राफ? यस सर, यस सर। और दोनों बराबर कब होगा? जब दोनों इक्वल होंगे, एपीएल इक्वल्स टू एपीएल जीरो, दिस विल बी जीरो इक्वल्स टू जीरो। हाँ ठीक है, एंड वक्त पर मेरा इंक भी खत्म हो गया, पता नहीं क्या आज ऐसा ही दिन ठीक नहीं जा रहा है। व्हेन देखो मैथमेटिकली जो प्रूफ होगा ना, तो तुमको कोई ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, सारा चीज टूल्स तुमको है, ये दिख जाएगा ना FPL del L less than zero कब होगा? less than APL, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सारा चीज हम क्लियर इसमें कर लिए, रिलेशनशिप क्या है।